अस्सलामुअलैकुम न्यू पॉइंट के साथ मैं हूं आमिर अब्बास। औलिया की धरती मुल्तान में आज आपकी मुलाकात गोल्डन मैन से करवाने जा रहा हूं। मेरे अक्कम में आप देख रहे होंगे, बज़ाहिर आपको स्टैचू लग रहा है लेकिन ये रियल इंसान है, गोल्डन मैन है। आइए इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी कि कितने अरसे से गोल्डन मैन बने हुए और क्यों बने हुए, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजाहिद खान, मुझे कहते हैं मुल्तान गोल्ड मैन। स्टैचू बन गए, कितने अरसे से बने हुए हैं और इसका राज क्या? इसका मुझे हो गए 6 माह हो गए और राज ये है कि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और मैंने ये दुबई में देखा था तो मैंने सोचा क्यों ना जब कभी मौका मिला तो अपने पाकिस्तान में ये काम ज़रूर करूँगा। तो हमारे ड्रामों की दुनिया के हालात अभी सही नहीं थे तो मौका मिलते ही मैंने ये काम शुरू कर दिया और शुरू करते ही आवाम को बहुत प्यार मिला, बहुत पसंद किया आवाम ने। मेरे पास लोग आते हैं, वीडियो बनवाते हैं, टिकटॉक वगैरह बनवाते हैं और मुझे इनाम देते हैं। बताएं कि गोल्डन मैन डेली बनते हैं या कोई ख़ास दिन है? नहीं नहीं, मैं गोल्ड मैन डेली बनता हूँ, इसके लिए मेरी कोई छुट्टी वगैरह भी नहीं, मेरे कोई रेस्ट नहीं है। मेरा मेरे लाजमन मेरे फ़ैन आने होते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं, माशाल्लाह 4-5 सूबों से आते हैं लोग। कितने घंटे गोल्डन मैन बनते हैं? मैं कम से कम 8-9 घंटे बना रहता हूँ। गोल्डन मैन बनने में कितना टाइम लगता है, तैयारी में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? अच्छा, तैयारी में जहाँ तक है सवाल, वो ये है कि तैयारी में थोड़े से हाथ पाँव हिला सकता हूँ। तैयारी का जहाँ तक सवाल है उसमें मुझे लगते हैं 1.5-2 घंटे तैयार होने में। अच्छा। और तैयार होने तो लड़कियाँ नहीं लगाती? बिल्कुल, मैं लड़कियों से ज़रा हैवी बनता हूँ ना ज़रा। हाँ, लड़कियों दुल्हन बनाए तो वो भी घंटे में तैयार हो जाती है। मैं दुल्हन से बाहर मेरा मेकअप होता है। अच्छा। तो मैंने वो अपना पूरा 1.5-2 घंटे मुझे लगते हैं तैयारी में और तैयारी के बाद जो है अगर जब मैं रात तैयार होती है बिल्कुल खुद तैयार होता हूँ। मैंने बताया मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, मैं ये सारे काम जानता हूँ तो मैंने अपना खुद तैयार होता हूँ। रात को जब मैं जाता हूँ तो मुझे 1 घंटा इसे उतारने में भी लगता है। अच्छा जी सर। तो लगाते क्या है, ये कोई स्प्रे है, कोई पॉलिश है, क्या लगाते? असल में ये कई लोगों को नहीं पता, कई लोग यही समझते हैं कि यार ये स्प्रे वगैरह करके आता है इंसान और इसकी जिल्द को नुकसान होता होगा, बड़े मसले मिसाइल होते होंगे। अगर मैं स्प्रे करूं तो मैं 15 मिनट में तैयार हो सकता हूं। अच्छा। जो कि मैं ये मेकअप करवा मेकअप होता है मेरा, मैं मेकअप करता हूं तो उसमें मुझे इसलिए 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। साकन हालत में कितनी देर ठहरे रहते हैं आप स्टेज पर? मैं कम से कम 3-4 घंटे तक मैं खड़ा हो सकता हूँ अगर कोई मेरे पास ना आए, जो कि मेरे माशाल्लाह फ़ैन इतने हैं, कोई ना कोई आ जाता है तो उसके लिए मुझे मूवमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, आप जैसे साकन हालत में होते हैं, लोग कभी ये भी समझते होंगे कि ये स्टैचू वगैरह है जैसे ये किले की स्टैचू? हाँ बिल्कुल, ये आपने अच्छा सवाल किया और इसमें मैं बताना भी चाहूँगा कि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। अच्छा। कि कई फैमिलीज वगैरह ऐसी आती हैं, कई लोग ऐसे आते हैं, वो ये रेल समझ के अभी भी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ ना तो इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पहले इंटरव्यूज़ में मैं खड़ा ही रहता हूँ। अच्छा। तो मैंने चलो थोड़ा सा हाथ पांव भी हिलाता रहूँ साथ साथ, पता लगे इंसान ही बोल रहा है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है मेरे साथ, मैं बैठा होता हूँ, लोग मुझे स्टैचू समझ के कोई कान मरोड़ देता है। अच्छा। कोई यानी ये गालों पे चुटकी भरता है, कोई क्या, जैसे वो हाथ लगाते हैं किसी ने किस भी की है, किस करने लगे तो मैंने रोक दिया ना पहले ही। मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि, जाहिर सी बात है लोग देख रहे होते हैं कि वो तो स्टैचू समझ के कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसे फनी काम होते रहते हैं कुछ ना कुछ ना। अच्छा। अभी भी कल परसों एक अजीब सा जो मुनफरिद सा हुआ वो बताइए। हाँ, वो यही था कि एक आंटी सी आई है, बहुत अच्छी यानी ये बहुत मेरे करीब आई और तेज़ी से बढ़ी ना मेरी तरफ। अच्छा। तो मुझे अंदाज़ा हुआ ये कुछ कुछ कर सकती हैं। वही हुआ, उन्होंने मेरे एक चंड रिसीव कर दी नकली समझ के। अच्छा। लेकिन जो कि जब उन्हें मेरे गाल नरम लगे तो वो फिर माजरत भी की उन्होंने, सॉरी की। अच्छा। हाथ उत भी जोड़े मैंने, फिर कहा कि कोई बात नहीं, जो कि मैं बने स्टैचू हुआ हूँ तो ऐसे लोग धोखा खा सकते हैं। अच्छा। जो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे इनाम दिया, तो ऐसे सीन चलते रहते हैं अभी। अच्छा, ये बताएगा कि आपको किस एज के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चे, मेल, फीमेल, कौन ज़्यादा? मुझे सब पसंद करते हैं, बड़े से लेके बुज़ुर्गों से लेके बच्चे तक पसंद करते हैं, यानी कि कोई ऐसा नहीं मैं कह सकता कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये बताएगा मुजाहिद साहब कि आप अब तो गोल्डन मैन बने हुए, कोई आपके रिलेटिव यहाँ आके आपको पहचान गए हों, ये तो मुजाहिद गोल्डन मैन बना हुआ? हाँ, जो कि मेरी माशाल्लाह थोड़ी सी न्यूज़ वगैरह पर इंटरव्यूज़ वगैरह आए हुए हैं, तो फिर मैं टिकटॉकर स्टार भी हूँ। हाँ, तो वो माशाल्लाह सबको, मेरी फैमिलीज में सबको पता है और यहाँ तक के पूरे आल मुल्तान शहर को पता है, मुल्तान से हट के पूरे पाकिस्तान को पता है कि मुल्तान शहर में एक गोल्ड मैन मुल्तान भी खड़ा है। अच्छा। तो वो कई लोग पहचान लेते हैं। हाँ, जो अनजान लोग होते हैं
उनको ज़ाहिर सी बात है नहीं पता होता, तो जिनको अब पता लगता जा रहा है वो लोग मुझे यहाँ देखने आते हैं, मेरी फैमिली मेंबर वगैरह कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता। डेली अप्रॉक्सीमेटली कितना कमा लेते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, यानी कि रोज़गार मेरा है, मैं ऐसे ही कहूँ कि नहीं मैं बेहतरीन आर्टिस्ट हूँ। मैं लाखों में नहीं, नहीं हज़ार लाखों में तो नहीं, ये है कि आप ये कह सकते हैं कि ड्रामों की दुनिया में भी मैं आर्टिस्ट की दुनिया में भी आपने टाइम स्पेंड किया है, तो वो वाली लाइफ ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी या ये वाली? उसमें ये था कि हमारा 2 घंटे का ड्रामा होता था और उसमें हम जो है ना अपना जो हमें मिलना है हम लेके अपना घर चले जाते थे। इसमें ये है कि हमें 8 से 10 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, परफॉर्म करना पड़ता है, तो उसमें आप कह सकते हैं फिर हम ज़ाहिर सी बात है हम सर्विस चार्ज भी वैसे ही करते हैं, पब्लिक आती है इनाम शनाम में लेता रहता हूँ, कोई ना भी दे तो मैं कह भी देता हूँ, कोई मैं इनाम भी लेता हूँ। कॉमनली हर बंदे से इनाम लेते हैं या जो सेल्फी बनाते हैं उससे इनाम लेते हैं? मैं सिर्फ उससे लेता हूँ जो मेरे साथ सेल्फी या वीडियो शूट करे, मैं हर किसी को नहीं कहता। मुजाहिद साहब, गोल्डन मैन साहब, मुझे ये बताइए इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं कि किस तरह से आप रहना है, किसी और सिटी की तरफ मूव होना या मुल्तान में? मैं पाकिस्तान के थ्रू ज़रूर चाहूँगा कि मैं किसी और मुल्क में जाऊँ और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। मुझे ये बताएगा कि जैसे आपने कहा कि मैं मुसलसल 3 घंटे जो है ना वो साकन हालत में खड़ा रहता हूँ, थक तो जाते होंगे? नहीं, मैंने बताया कि जो कि मैं एक फ़ाइटर भी हूँ और मैं ये योगा वगैरह करता रहता हूँ, मुझे इस चीज़ की आदत है शुरू से ही, तो मुझे कोई यानी कि थकावट वगैरह महसूस नहीं होती। जितने भी लोग देख रहे हैं कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं? हाँ, ये माशाल्लाह पब्लिक के लिए है, कई लोगों को नहीं मेरे बारे में पता, तो ये आपके चैनल के थ्रू मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपके मुल्तान शहर में गोल्ड मैन की एंट्री हो चुकी है और माशाल्लाह हर जगह से चारों सूबों से लोग आते हैं